अभी हम खड़े हैं यहाँ कटरा के जी चौक में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले पीएचई के खिलाफ एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनकी यहाँ पे पानी की सप्लाई जो लोगों के घरों की थी वो टोटली ही बंद हो चुकी थी। आज हम यहाँ पे आपको हकीकत में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो पाइपें जा रही हैं ये पिछले दिनों R&B द्वारा यहाँ पे तोड़ी गई थी, और आज यहाँ पे उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट ने इनको अल्टरनेट रूट देके इस मोहल्ले की सप्लाई को फिर से यहाँ पे शुरू कर दिया था। आज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कल शाम से फिर से R&B डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे जी चौक पे एक बहुत बड़ा खड्डा कर दिया गया, जिससे कि फिर से पीएचई डिपार्टमेंट की दो पाइपें यहाँ पे टूटी हुई हैं और मेन पाइपलाइन को भी थोड़ी सी क्षति हुई है, जिससे कि नीचे के जितने भी यहाँ पे गांव हैं उनकी पानी की सप्लाई फिर से बंद हो चुकी है। AW श्री अजय शर्मा जी से अभी हम बात करेंगे कि जो पाइपलाइन यहाँ पे टूटी हुई थी और जो अभी यहाँ पे जो वर्कआउट चल रहा है R&B डिपार्टमेंट द्वारा, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि उन्होंने आज सुबह काम लगाया था अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ग्रेविटी है, ये 3 OHT बन जाता है और ये उन 3 OHT फिल करती है, तरानू, न्यू बस स्टैंड और बाई टाउन होटल के पास जो OHT है, और ये मेन पाइप है ये अभी बंद हो गई है, क्योंकि इसमें भी आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया था, वो जो पाइपलाइन टूटी थी उनके बारे में आप बताएंगे वो किस डिपार्टमेंट की वजह से टूटी? उस समय भी इन्होंने काम लगाया था नाले का, और ये काम लगाते समय इन्होंने ना हमें बताया ना परमिशन ली, इन्होंने सारी भी हमने ये सारा जो केस था उस समय हमें SGM MDC साहब सबको बताया, हमारे एक्सी साहब से बात हुई कि आप काम को ढंग से करिए तरीके से ताकि हम भी अपनी पाइपें खोल सकें, और जब हम पाइपें डाल रहे थे उसके बाद उन्होंने हमें रोड कट की परमिशन नहीं दी, तो इस कारण ये सारे इलाके में एक वो उस समय जो सारा हुआ था एपिसोड वो सारा आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कोई काम लगवाना हो, आपको अगर अपनी पाइपें डलवानी हो, अगर दूसरे डिपार्टमेंट को अगर अपना कोई नाले का वर्कआउट करवाना हो, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है कि परमिशन का क्या होता है? अभी इस समय जो हमारे DC साहब हैं उन्होंने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जिसने भी कोई काम करना हो उससे पहले परमिशन लेनी है, अभी हम जो भी काम रोड कटिंग कर रहे हैं हम उनकी परमिशन से कर रहे हैं, और इन्होंने ना तो उन्होंने ऑर्डर है और उस ऑर्डर की बिल्कुल अगेंस्ट जाके उन्होंने काम शुरू किया है, उस ना इन्होंने परमिशन ली है, ना DC साहब को इन्फॉर्म किया है, ना हमें इन्फॉर्म किया है, और अपनी मन मर्जी से आते हैं जहां मन करते हैं JCB लगाते हैं और हमारी पाइपें तोड़ के चलते बनते हैं। ये थे PHE से AW अजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि R&B डिपार्टमेंट द्वारा जो भी यहाँ पे पूरे कटरा में जो वर्कआउट किए जा रहे हैं उनकी कोई भी परमिशन नहीं, और विदाउट परमिशन वो सारे का सारा काम कर रहे हैं, जिससे कि जनता को पीने के पानी के लिए खासी परेशानी। अभी हम R&B के JEC गगन जी के पास हम खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो यहाँ पे R&B और PHE के बीच में जो खींचतान जो चल रही है उसके बारे में हम इनको पूछेंगे। जी साहब, आप हमें ये बताइए कि जो आपका कल से यहाँ पे वर्कआउट चल रहा है और अभी PHE द्वारा इसको बंद करवाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? क्या सर, क्या है कि ये जो काम है ना ये हम सब करते हैं पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी को पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे गंद है बहुत ज़्यादा, अगर हम यही खींचतान करते रहेंगे ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो प्रोसेस होता है वो अंडर चलता रहता है, ठीक है, हमें अब कुछ ना कुछ तो उसका हल तो निकालना पड़ता है। PHE के AW का कहना है कि आपके इस कार्यकाल के दौरान उनकी बहुत सारी पाइपलाइन जो हैं वो पानी की वो टूट जाती हैं, जिससे कि लोगों को पीने के पानी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, जब भी हम काम करते हैं सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होती है कि पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट, बट अब आप जैसे देख रहे हो कि जैसे डेप्थ है इसमें अब छोटे छोटे जो कनेक्शन होते हैं उसमें हम मानते हैं कि डैमेज हो जाते हैं, बट हम क्या करते हैं कि जो इनके लाइनमैन है जो कंसर्न कोई भी बंदा होता है उसको साथ में रखते हैं, तो इसको साथ में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक पानी की प्रॉब्लम ना हो। अब पब्लिक को पानी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, अब ये है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए आपस में ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम। ये थे JEE जो कि R&B विभाग से आए हुए हैं और इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि जो भी काम चाहे वो PHE डिपार्टमेंट करे चाहे वो R&B करे, काम तो अल्टीमेटली पब्लिक का ही हो रहा है। जम्मू परिवर्तन से सुशील शर्मा, अभिषेक केसर के साथ।